बात कर लेते हैं गौरांग, मैं आपसे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बात करना चाहूंगा। नंबर अच्छा आया है, स्टॉक करीब 170 के आसपास आ गया है। रिक्टर साहब लिख आइए, हाँ 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट ठीक ठाक आया है, फर्स्ट रिजल्ट आफ्टर आईपीओ। कैसे देखते हैं आप इस कंपनी को? तो आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राय थी हमारी अजय लंबी अवधि के लिए, और एक ही दिक्कत है, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत छोटी से मध्यम अवधि के लिए। 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल एक बड़ा चुनाव। कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होते ही मेरे ख्याल से जो भी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई गतिविधि है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्रीय स्तर पर, वो थोड़ी बहुत धीमी गति पे जा सकती है। अगर विचारधारा छोटी मध्यम अवधि की नहीं है और लंबी अवधि के लिए है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के साथ साथ और भी कुछ नाम है जो पसंद आते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज एक्सेट्रा, तो एनसीसी लिमिटेड है, पीएनसी इंफ्रा है, केएनआर कंस्ट्रक्शंस है और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। मेरे ख्याल से अजय, ये क्षेत्र एक बहुचर्चित क्षेत्र रहेगा, क्योंकि अगर हमें हमारे देश की, भारत देश की विकास दर को यहां से बढ़ा करके आगे लेके जाना है, तो आपको मजबूत ढांचे नए खड़े करने पड़ेंगे और जो मौजूदा ढांचा है उनको दुरुस्त करके आधुनिक बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल निवेश की राय है लंबी अवधि। इनफैक्ट अजय, जिस तरह के अदानी पोर्ट्स के भी कार्गो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ऑफ कोर्स यही दो कंपनीज हैं स्पेस में लिस्टेड, तो ये एक्सपेंडिंग पोर्ट में तो दिख रही ये हैं। बहुत स्पेशलाइज्ड एसेट है पोर्ट्स, और अगर वैल्यूएशन ठीक लगे आपको तो आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए तो आप मिस नहीं कर सकते पोर्ट्स अपने पोर्टफोलियो में। करेक्ट। और कुछ लिस्टेड कुछ कंपनीज है लोगों को कितनी? कुछ लोगों को अदानी पोर्ट में कंफर्ट नहीं है। अगर कोई वॉट एवर रीजन, जो भी रीजन हो सकता है उसके वैल्यूएशन में, उसके नंबर में, तो उसके लिए अब एक विकल्प आ चुका है। ट्रू। पहले तो था नहीं, अगर आपको पोर्ट एसेट खेलना है तो एक ही कंपनी थी, अब दूसरी भी आ गई दूसरी है, भी आ गई। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। अल्कोहल स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है, ये तीन चार स्टॉक्स लेके आई है क्योंकि माहौल ऐसा है। फेस्टिवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ क्रिकेट के चलते और ये न्यू ईयर के चलते अब धीरे धीरे देश में सर्दी भी आ जाएगी। आप दिल्ली से लौट के आई हैं, ये देखिए 1600 के ऊपर इस समय यूनाइटेड ब्रूरीज है। मैकडॉनल्ड्स को लेके आइए डॉक्टर साहब, रेडिको खेतान में जबरदस्त तेजी ऑलरेडी चल रही है। और आप सोम डिस्टिलरीज, वो भी काफी बढ़िया चल रहा है स्टॉक क्योंकि प्रमोटर बाइंग लगातार करते रहते हैं मार्केट से। ये तीन चार स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ पे आपको आ रहा है? प्रशांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सवाल। जी अजय जी, जो आपने सोम डिस्टिलरीज कहा, वो बार बार अगर हम सिर्फ प्राइस को देखें तो कंटिन्यूअसली एक एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद एक अच्छी रैली आती है। मुझे लग रहा है अभी भी एक रैली के लिए तैयार हो चुका है। जो शुक्रवार को हाई बना था करीबन 330, इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल जाए करीबन 335 के ऊपर, मुझे लग रहा है तो ये स्टॉक फिर से जो स्विंग हाइज बने हुए थे ऑलमोस्ट 380 उस लेवल तक जा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड है। मुझे लग रहा है आप करीबन 305 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकते हो और एक्युमुलेट कर सकते हो। टारगेट जैसे मैंने कहा, जो स्विंग हाइज थे 375, 380, यहां तक ये काफी कंफर्टेबली जा सकता है।